और अब सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। प्रदेश को विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पर दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हो, पर्याप्त जल संसाधन हो, लगभग पिछले 125-150 वर्षों से गन्ने की खेती यहां के किसानों और यहां के सामान्य नागरिकों की संपन्नता, उनकी समृद्धि और उनकी खुशहाली का आधार रही हो, उस प्रदेश में अचानक बीच के कैसे कालखंड में जब एकाएक सभी चीनी मिलें या तो बंद होती गई या बिकती गई, और एक समय ऐसे भी आया जब लगा कि यहां के किसानों की कैश क्रॉप का आधार गन्ना अगर समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश का किसान कहां जाएगा। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश से दुनिया के तमाम क्षेत्रों में गई। आप मॉरिशस में चले जाइए, आप फिजी में चले जाइए, दुनिया के तमाम अन्य देशों में आप जाएंगे तो यहीं से लोग गए जिन्होंने वहां गन्ना की खेती प्रारंभ किया और तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने भारत को न केवल एक सम्मान दिलाया, अभी तो एक बड़ी आबादी ने उन क्षेत्रों में भी निवास करके उन निर्जन टापुओं को भी आबाद करने का कार्य किया। गन्ने की खेती की एक बड़ी विशेषता, और मुझे लगता है कि गन्ना की मिठास किसानों की समृद्धि और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान दे सके, इसमें आप सब उसकी रीढ़ बन सकते हैं। अक्सर होता है जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हम लोग नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब मिल जाती है तो तब अपनी जिम्मेदारियों को फिर भूल जाते हैं। और शासकीय सेवाओं में अक्सर गिरावट का एक प्रमुख कारण है, और मैं आह्वान करूंगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने नीति बनाई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जिस प्रकार से गन्ना विकास के लिए इस क्षेत्र में नए नए इनोवेशन के लिए हम लोगों ने उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र बहुत ही खुशहाल होगा, बहुत बहुत ही सम्पन्नता। क्योंकि पहली बार जितने चीनी की खपत हमें होगी हम उतनी चीनी बनाएंगे, शेष चीनी को हम लोग गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल में जाएंगे, और मुझे लगता है अगले वर्ष से इस प्रकार के जो संयंत्र हैं वह प्रदेश में लगने प्रारंभ हो जाएंगे। चीनी मिलें चलेंगी, किसान अगर उससे जुड़ा है किसान को समय पर उसका गन्ना मूल्य का भुगतान होगा, किसान का कहीं शोषण न हो, क्योंकि शोषण के उसके दो आधार बनते हैं, एक समय पे उसको पर्ची न मिलना, उसके खेत में गन्ने की फसल तैयार है उसको अगली फसल के लिए उस गन्ने को पटवाना है, भिजवाना है, मिलों तक पहुंचाना है, लेकिन समय पे पर्ची न मिलना, और दूसरा पर्ची मिली भी और मिल गेट पर गई या कहीं पर जहां भी क्रय केंद्र है वहां गया, वहां घटतौली का शिकार हो गया, तो यह उस किसान के साथ अन्याय है। आप सब उस किसान को अन्याय से बचा सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं,
और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगभग 80 बालिकाएं भी पहली बार गन्ना के क्षेत्र में, हम लोगों ने प्रयास किया है कि आने वाले समय में जो शेष 437 अन्य पद खाली हैं उसमें भी, जो रिक्त पदों में भी हम इस प्रक्रिया को पूरा कर सकें। गन्ने का नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, हमारा प्रयास है कि 25 नवंबर तक प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें चालू हो जाएं और इस सत्र में दो नई चीनी मिलें, एक गोरखपुर के पिपराइच में और दूसरा बस्ती के मुंडेरवा में, ये भी संचालित हो। कई वर्षों के बाद ये अवसर आए दो नई चीनी मिलों का संचालन करेगा। बागपत रमाला की जो चीनी मिल है वह एक्सपेंशन के साथ वर्तमान में चालू है, लेकिन एक्सपेंशन के साथ भी इस सत्र में प्रारंभ हो सके हमारा प्रयास है। आप जब नियुक्ति पत्र पा रहे हैं तो आपके मन में एक उत्साह और एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक बड़ी आबादी की सेवा का अवसर आपको प्राप्त होगा। नौकरी को एक औपचारिकता ना बनाएं और जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें अपने एक विशिष्ट छवि बनाएं, जिससे किसान, सामान्य नागरिक और समाज का प्रत्येक तबका आपकी कार्य पद्धति से आपको पहचाने और आपको सम्मान दे। और मुझे लगता है यह संभव है, अगर हम चाहें तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। और मेरा यह मानना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस बार कई अन्य कार्य भी, जहां इथेनॉल बनाने के लिए हम लोगों ने कार्य किया, वहीं हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारी कॉपरेटिव की अधिक से अधिक चीनी मिलों में हम डिस्टिलरी के साथ साथ वहां पर को जनरेशन के लिए भी पावर प्रोजेक्ट भी वहां पर हमारे लगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को और नौजवानों को प्रदेश के अंदर रोजगार दे सके। गन्ना किसानों के हित में और खांडसारी उद्योग को ध्यान में रखकर के इस बार लगभग 50 के आसपास नए लाइसेंस जारी किए गए और प्रयास किया गया है कि जो भी लेना चाहेगा लाइसेंस इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, हम उसको लाइसेंस फीस से मुक्त करेंगे। वह जाए खांडसारी या गुड़ आदि बनाने के लिए, जो भी जिस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहेगा। अधिक ये छोटे छोटे उद्योग हैं, कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार देता है। आप सबके सामने एक स्वर्णिम अवसर है, जब आप इस अवसर का लाभ लेकर के न केवल अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, भी तो प्रदेश के गन्ना किसानों और सामान्य किसानों के जीवन में भी खुशहाली लाने और प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आज का इस क्षण आपके लिए एक अद्भुत और स्वर्णिम क्षण है, मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गन्ना उद्योग को प्रदेश के विकास और प्रदेश की समृद्धि का रीढ़ बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब बारी है नव चयनित गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्त। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे लखनऊ से, उन्होंने 851 गन्ना पर्यवेक्षकों को आज नियुक्ति पत्र का ये कार्यक्रम, जहां पर 851 गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पत्र का, और साल 1999 से खाली थे ये गन्ना पर्यवेक्षकों के पद और 2185 में पर्यवेक्षकों की चयन किया गया है।